नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर। और थे देखन लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। दोस्तों आज को जिको वीडियो है वो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की तहसील है अनूपगढ़ यानी अनूपगढ़ शहर के बारे में ई वीडियो में जानकारी दी गई है। अनूपगढ़ शहर है जिको श्री गंगानगर से 104 किलोमीटर की दूरी पर है। वो शहर है जिको बसेड़ो है। दोस्तों ओ जिको थे दृश्य देखन लाग रहे हो ओ अनूपगढ़ शहर को केंद्रीय बस स्टैंड है। आठों सड़क मार्ग हनुमानगढ़ श्री गंगानगर सूरतगढ़ गढ़साना खाजूवाड़ा बीकानेर पुग्गल जयपुर दिल्ली व आसपास के गाँव में और अन्य राज्य में सड़क के द्वारा जायो जा सके। ओ अनूपगढ़ शहर को रेलवे स्टेशन है। ओ ई एरिया को लास्ट रेलवे स्टेशन है। आठों राम सिंहपुर विजयनगर सूरतगढ़ हनुमानगढ़ और बठिंडा रेल मार्ग जायो जा सके। अनूपगढ़ शहर है जिको गगर नदी के किनारे बसेड़ो है। ई शहर के अंदर एक गढ़ यानी एक किलो भी बनेड़ो है। अनूपगढ़ शहर में जिको गढ़ बनेड़ो है वो शहर के बीचों बीच बनेड़ो है और बिंगे चारों तरफ है जिकी आबादी सेक्टर है। प्राचीन समय में अनूपगढ़ से जैसलमेर तक तथा पाकिस्तानी सीमा के आसपास की सेक्टरा में भाटियां को कब्जो होया करतो। ओ जिको किलो वो भाटी राजपूतां के खाड़ी में रहन खातर मदद करे करतो। सन 1678 ईस्वी में चुघेर में महाराजा अनूप सिंह नयागढ़ को निर्माण करवायो गयो जिके को नाम अनूपगढ़ राख्यो गयो। अनूप सिंह अठे का राजा हुआ करता और बांगे नाम हुई ई शहर को नाम है जिको अनूपगढ़ राख्यो गयो बतायो जावे है। वर्तमान में ई किले की जिकी अवस्था है वह जर्जर हो चुकी है। वर्तमान में ई किले के अंदर आबकारी विभाग को 1993 जिको ऑफिस है वो बनेड़ो है। ओ जिको थे दृश्य देखने लाग रहे हो ओ अनूपगढ़ शहर में भगवान परशुराम चौक है। दोस्तों अगर थे मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करियो। सागे बेल आइकन यानी घंटी के निशान ने भी दबाइयो ताकि इन त्रियंगा जी का वीडियो है वे थार तक जल्द पहुंच सके। अनूपगढ़ शहर के बस स्टैंड के सामने ही राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिको अनूपगढ़ शहर में बनेड़ो है। शहीद भगत सिंह पब्लिक पार्क है जिको बस स्टैंड के नजदीक बनेड़ो है। बस स्टैंड जिकी रेलवे स्टेशन है रोड जावा है बी रोड के ऊपर कई चौक बनेड़ा है और बी रोड के ऊपर ही लगभग ई शहर की जिकी मार्केट है बा बनेड़ी है जिका को दृश्य है थे देखने लाग रहा हो। ये मार्केट के अंदर काफी बड़ा शोरूम भी बनेड़ा है और हर तरह की आइटम की खरीदारी है जिकी थे ई मार्केट में कर सको। अनूपगढ़ में तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय भी बनेड़ो है। दोस्तों अनूपगढ़ शहर के धार्मिक स्थल की बात करा तो ओ जिके थे मंदिर को दृश्य देखने लाग रहे हो ओ श्री गणेश जी महाराज को मंदिर है। श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर व धर्मशाला है जिकी अनूपगढ़ शहर में बनेड़ी है। दुर्गा माता मंदिर बाबा रामदेव मंदिर हनुमान जी मंदिर और एक विशाल श्याम बाबा को मंदिर भी ई अनूपगढ़ शहर में बनेड़ो है। और सागे
अठे गुरु घर यानी गुरुद्वारा भी अनूपगढ़ में बनेड़ा है। दोस्तों ओ जिके थे मंदिर को दृश्य देखने लाग रहे हो, ओ अनूपगढ़ में दुर्गा माता को प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर के अंदर दुर्गा माता और अन्य माताओं की जी की मूर्ति है बे स्थापित करेड़ी है। मंदिर के अंदर शिव भगवान की शिवलिंग है जी की स्थापित करेड़ी है। ये मंदिर के बारे में अठक जी का पुजारी है बाकी जानकारी दी है बा मैं थाने दिखानी चाहूंगा। नाम रीतपाल शर्मा, मंदिर 45 साल से बना हुआ है। आरसीबी कॉलोनी में पहले सरकारी स्टाफ रहता था, उनके द्वारा बनाया गया। मैं यहाँ पर 40 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ। 1982 4 मई को मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी और मैं 4 दिसंबर 1982 में यहाँ पुजारी के कार्य पर रह रहा हूँ। यहाँ पर और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं मंदिर में, दुर्गा माता मंदिर में? दुर्गा माता मंदिर में चैत के नवरात्रे और आसोज के नवरात्रे और जन्माष्टमी ये धूमधाम से मनाई जाती है। तीन त्यौहार तो यहाँ किस किस एरिया के लोग हैं जो यहाँ दर्शन के लिए आते हैं माता जी के मंदिर पे? यहाँ तो अनूपगढ़ की सारी जनता आती है और बाहर के क्षेत्रों से भी आती है। और ये श्याम जी का मंदिर की स्थापना कब हुई? श्याम जी की प्रतिष्ठा हुई थी 15 नवंबर 2021। दोस्तों ओ विशाल मंदिर श्री श्याम बाबा को है जिको अनूपगढ़ शहर के अंदर नयो बनयो है और काफी सुंदर डिजाइन बनायो गयो है जिके को दृश्य है जिको थे देखने लाग रहे हो। ये मंदिर को निर्माण 17 मई 2017 चालू हुयो जिको 4 साल के अंदर बन के तैयार हुए है। मंदिर के अंदर श्री श्याम बाबा को विशाल दरबार है जिको लागेड़ो है जिको बहुत ही खूबसूरत बनेड़ो है। ये मंदिर के अंदर ही श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति है जिकी स्थापित करेड़ी है। मंदिर में प्रवेश के बाद में जिको होल बनेड़ो है वो काफी बड़ो और सुंदर तरीकों बनेड़ो है। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण भगवान और बालाजी महाराज और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां है जिकी ई मंदिर के अंदर स्थापित होड़ी है। श्री श्याम बाबा नवनिर्मित मंदिर के बारे में अठेगा पुजारी जी का महेश जी शर्मा है बा की जानकारी दी है बा मैं थाने दिखानी चाहूँगा। मेरा नाम महेश शर्मा है, यहाँ पर अनूपगढ़ आए हुए मेरे को 50 साल हो गए और पीछे से हम सीखते काम किया। इस मंदिर में आपको पूजा करते हुए कितना टाइम हो गया? इस मंदिर में पूजा के हुए 3 महीने हो गए। वो मंदिर है जी को कद को बनेड़ो है और कद बनियो इनके बारे में जानकारी है जी की थे बताओ। इन नीम 2017 में रखी थी, 17 मई 2017 के अंदर 4 सालों में पूरा हुआ है ये। यहाँ पर किसको हुक्म हुआ था, मूर्ति निकली थी यहाँ राधा कृष्ण जी की, नोकल के दो कमेटी वाले बंदे हैं उनको हुक्म हुआ था यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए और यहाँ पर नीम की मूर्ति स्थापना हुई है खाटू श्याम जी के नाम पर। यहाँ पर यात्री कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ पर यात्री अपने पंजाब से है, गंगानगर, हनुमानगढ़, रायसनगर, गरसाना, रावला, छत्रगढ़ से आते हैं। बाबा में पूरी आस्था है लोगों की यहाँ? हाँ पूरी है, पर्चे भी दिए 2-4 पर्चे भी दिए है भगवान के, चमत्कार भी दिखाया है। और यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम होते हैं साल में? साल में अपने फागुन मार्च के अंदर फागुन उत्सव मनाते हैं होली के और नए जिला ग्यास मनाते हैं और हर 11 के चांदनी 11 जागरण लगता है, बाबा की जोत होती है 11 और 12 को और मावस के दिन बाबा का अभिषेक होता बड़ा। मंदिर के खुले प्रांगण के अंदर पहाड़ पर शिव भगवान की मूर्ति स्थापित करेड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और थे देखने लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है वो श्री गंगानगर जिले की तहसील है अनूपगढ़ और अनूपगढ़ में बैठे हाँ अठे मेरे कने अठे अनूपगढ़ का आत्माराम जी पंडित जी है। आऊँ आप बात करांगा कि अनूपगढ़ को क्या इतिहास रेड़ो है, तो थे आत्माराम जी यहाँ बताओ भी ओ जिको अनूपगढ़ को नाम है वो के कारण रखेड़ो है अनूपगढ़।
और जी नाम है अनूपगढ़ को अनूप सिंह जी राजपूत ठाकर बंग नाम गढ़ है अनूपगढ़ और अनूपगढ़ के नाम रखने के बाद में अनूप यूँ नाम रखी हुई है। और शहर कितो पुराण बसेड़ो है साहब? शहर तो जी बहुत पुराना सैकड़ों साल पुराना है। तो थे आठ है कितने वर्षों रहने लग रहे हो? मैं आठ रहे हूँ जी 44 साल। तो आठ है धार्मिक स्थल में मंदिर किसा किसा बनेड़ा है अनूपगढ़ शहर में? धार्मिक स्थल में मंदिर बनेड़ा है, एक तो हनुमान मंदिर है आरसीपी कॉलोनी में, एक आगे जाके दुर्गा मंदिर है, एक श्याम बाबा का मंदिर भी बने है 3 महीना पहले, और गुरुघर वगैरह भी है के? हाँ गुरुघर है, सत्संग भवन है, राधेश्यामी है, सच्चा सौदा वो भी है, और निरंकारी भवन भी है, सिंह सभा गुरुद्वारा भी है, जितना भी धार्मिक स्थल है सारा का सारा है। अनूपगढ़ में कोई ऐतिहासिक गढ़ भी बनेड़ो है जी? वो किठे बनेड़ो है कि थारे ने? हाँ गढ़ गाँव के बीच में बनेड़ो है ना, बीम पर तो नाम अनूपगढ़ रखे हुए हैं, गढ़ बनेड़ो है बीच में, गढ़ में लागे आबकारी भाग को दफ्तर लाग रही है फिलहाल। तो आटे थारे जी का शिक्षा सेक्टर में एजुकेशन में आटे कॉलेज वगैरह है कि? हाँ सारा कॉलेज है, यू स्कूल है। दोस्तों आशा करूं कि थाने वो वीडियो पसंद आए होसी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।